हरे कृष्णा ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधा निज सम्मुखं खंगानुबली के राधा विहार विपिनी रमता मनो में बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार हाथ भक्त बोल हरे कृष्ण राम और एक बार जो करी बोल हरे उपस्थित हुए हैं। ये गांव का नाम है लक्ष्मी नगर, ये पल्ली बार है ना, कन्हैया ले चलो पल्ली बार, इसलिए ये पल्ली पार श्री लक्ष्मी नगर में हम आए हैं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं, जितने गोस्वामी लोग हुए हैं, इन लोगों ने कैसे अपना जीवन धारण करते थे, कभी ये ब्रजवासियों को घर में रोटी मांग करके इनके घर में भिक्षा मांग करके किसी तरह से खा करके ये हमारे गोस्वामी लोग भजन करते थे। अभी भी वही प्रथा यहाँ पर अपना सवाई गोस्वामीरा ब्रजवासी बाड़ीते बाड़ीते तारा की करते वही माधुपुरी भिक्षा करे तारा जीवन निर्वाह करतो अपना मथुरा गए अपना सवाई देखें कत आदर कर কোথায় কলা দিচ্ছে, কোথায় আপেল দিচ্ছে, কোথায় মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, কোথায় আপনাদের দুধ খাওয়াচ্ছে, কত ভাবে আপনাদেরকে তারা যত্ন করছে। এখনো এখানেও আজকে দেখবে খুব সুন্দর ভাবে অনেক ভালো ভালো প্রসাদ এখানে বানিয়েছে, খুব ভালো ভালো প্রসাদ আপনাদের এখানে আপনাদের সেবা করাবেন। আপনি ভি ব্রজবাসী লোক যেসে আমারি গোস্বামী লোক ব্রজবাসীকে ঘর ঘর মে रोटी के टुकड़े को लेकर के भजन करते थे, सभी की सेवा करते हैं। ये ब्रज में जन्म लेना ये कोई साधारण बात नहीं, बड़े भाग्य से कोई ब्रज में जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी वो ब्रज का क्या बनना चाहते हैं, बोले तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटक्या जत गोकुल रजो विशतम। ब्रह्मा जब कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुराया, लेकिन वो तो सोच रहे थे साधारण कोई ग्वाल वाल होगा, लेकिन जब उनको पता चला कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, बोले जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिपति सुनई वेदई सांग क्रमप निषदी गायंती जत सामगा, बोले जिनकी चरण को पाने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव न खाग्र मरीचि। बोले बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान को द्वारा श्री ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी जिनको ध्यान नहीं कर पाते वो कौन है, यदि भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण। इसे ब्रह्मा को जब ये बात पता चला ये कोई साधारण नहीं, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु भगवान कहते ब्रह्मा जी तेरे को क्या चाहिए, बोले ब्रज में मेरे कोई ग्वाल वाल बनना चाहते हो, बोले नहीं 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 हमने कहा इतने सौभाग्य किया ब्रज में कोई ग्वाल वाल जन्म न लेगा, बोले यहाँ पर कोई पशुपुखी रूप में जन्म लेना चाहते हो, बोले भैया हम भी तो ब्रज की इतने महिमा यदि यहाँ का कोई पशुपुखी रूप में जन्म नहीं ले सकता हूँ, बोले कोई पेड़ पौधा बन जाओ
कोई कीड़े मकोड़े बन जाओ, बोले नहीं 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 बोले फिर चाहते हो क्या? बोले ब्रज के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी चरण है, अगर उनको घर को सामने पत्थर जन्म हमारी हो जाए, वो हमें पत्थर मान करके अपना चरण को अगर हमारे सर के ऊपर रगड़े, अगर उनकी चरण धूलि हमें मिल जाए ना, फिर तो हम अपना जीवन को धन्य थी, हम धन्य माने। ये कौन मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? ये पितामह ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना। शंकर जैसे व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदर, शंकर भी रास में प्रवेश करने के लिए उन्होंने भी गोपी रूप भी धारण कर लिया उन्होंने, लेकिन गोपियों ने चोटी पकड़कर वहां से निकाल दिया और उन्होंने गुलचा मार दी हमारे भक्त। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोलते गुलचा मार करके मुंह फुला दिया और उनको वहां से निकाल दिया वहां से। इसलिए शंकर भी जहाँ पर ब्रज में कौन सा काम कर रहे हैं, पर ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाए, ब्रज का बाहर में चौकीदारी का काम कौन कर रहे हैं? श्री भोले बाबा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी बोले बिहार का मान, यहाँ पर माँ लक्ष्मी भी अब भी बैठी करके बेलवन में है, जमुना की उस पार में अब भी माँ लक्ष्मी बैठी करके कठोर तपस्या कर रही है प्रवेश पाने के लिए। कहते अभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाई। कहते श्री उद्धव जी है, उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव कौन है? कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सदैत सका, कृष्ण जिसके लिए कहते हैं हे उद्धव तू हमेशा अलग नहीं एक ही है। इसलिए न सखा में प्रियतम आत्म ज्वनीर न शंकर, इसलिए मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्यारा नहीं, हरि हर एकात्मा शंकर भी इतना प्यारा नहीं। कहते श्री बलदेव प्रभु लक्ष्मी और मैं भी इतना प्यारा नहीं तुझे जितना मेरे प्यारा हो, समझ रहे हैं? इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी, लेकिन ब्रजवासियों का जो महिमा को देखे बोले तो जत गुल्म लता औषधि, उन्होंने यहाँ पर गुल्म लता वृक्ष और यहाँ की घास रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए अपना मन करो जरा ब्रजवासी जो लोग ब्रज में रहते हैं, ये लोग कितने सौभाग्यवान है रात तारा एक ब्रज जन्म लिए थे, बुझते बात करो तो जिन्हें ब्रज जन्म ने वह बहु भाग्य बड़े भाग्य से कहीं ये ब्रज में कोई जन्म लेते हैं। और हमारा की कर ब्रजवासी देखो एक देखे आज के यहाँ कत तो सुंदर सुंदर रान्ना बानना करे अपना देर तारा अपना देर भोजन करा प्रसाद पावन एखनो से ब्रजवासी मध्य हृदय मध्य भक्त प्रति एखनो तर सद्भावना से तारा एखनो पर्यंत भक्त तारा आदर स्वागत कर तादर के सेवा करे। इसलिए अभी भी ब्रजवासियों का अंदर में ये भावना है, कोई अगर ब्रज में परिक्रमा करने के लिए कोई आए, अभी भी यहाँ पर जो 84 परिक्रमा बड़े बड़े साधु संत लोग जैसे रमेश बाबा और बड़े बड़े परिक्रमा लगता है जिस गांव देकर के जाते हैं ना, सारे गांव वाले छाछ रोटी पानी लेकर के अभी भी दरवाजा के सामने खड़े हो जाते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं उनको भी अभी अभी भी उनको देते हैं। उसके बाद चलो तो एक ब्रजवासी यदि भी परिक्रमा करे ना, कोई छाछ लिए जल लिए रोटी लिए दाढ़ी जावे फल फूल लिए दाढ़ी दी जावे ये सभा की नहीं बोली रा इतो कष्ट करे ब्रजमंडल परिक्रमा कर छे एजने कतरे कतो सौभाग्य देरे एजने हमारे खाली जे गायत्री देवी एखन जिन्हें माँ ऐसे छिले और जो छेले परिवार अभी जो गायत्री देवी आई थी और इनका जो परिवार लोग हर साल जब हम यहाँ पर आते हैं पूरा परिवार को साथ में साधु संतों को स्वागत करते हैं। अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे तीर्थ महाराज से है ये कैसे विरह का स्थान कैसे यहाँ है और ये श्री लहू बन के ये अंतर है चले जहाँ जहाँ चलो सखी चलिए जहाँ बसत ब्रजराज गो रस बेचन हरि मिले एक बंध रोका यहीं पर ही ब्रज की गोपियां दूध दही लेकर के बेचने के लिए जाते थे। गुरुदेव कहते थे क्या गोपियां कोई गरीब थी जो भी दूध दही बेचने के लिए जाते हैं, दूध दही कौन बेचते हैं? साधारण व्यक्ति, लेकिन श्री राधा रानी तो ये सर्व सर्व लक्ष्मी भाई राधा रानी है, राधा रानी साधारण नहीं, अरे गोपियां कौन है ये भी कोई साधारण गोपियां नहीं, ये सबके सब एक एक लक्ष्मी, इसलिए ये गाँव का नाम भी लक्ष्मी नगर है। मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी, मतलब ये राधा नगर
लक्ष्मी नगर में श्री राधा रानी की ये नगर है, इसलिए आप वृंदावन में आओ। देखना यद्यपि ब्रज धाम कृष्ण का धाम, लेकिन कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, एक हर समय की बोले राधे राधे, क्या बोलते हैं राधे राधे, शब्द कृष्ण का देते हैं राधा रानी की। अभी भी ब्रज में यद्यपि ये ब्रज धाम कृष्ण का धाम है, लेकिन यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, सबके सब किसका नाम लेते हैं राधे राधे, राधे का नाम लेते हैं। बोले राधा का नाम क्यों लेते हैं, यहाँ पर कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं, कारण क्या है? ये कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले राधा सत्य कुर्वन् तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम् धा सत्य कुर्वत् पश्चात धा विश्रवण लोहा। कृष्णा स्वयं कहते हैं अगर केवल कोई एक रा अक्षर उच्चारण कर दिया तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ भाई आदमी इसको दू क्या, मेरी राधा रानी का रा अक्षर बोला, कभी ये रा अक्षर का इतने महत्व है, कभी विश्व ब्रह्मांड में उसको देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं रहता है, मैं स्वयं को उसको पास में दे जाता हूँ, भैया आज समय तेरा ही बन गया। अगर कोई धा बोल दिया रा और धा, ये दो अक्षर को सुनने के लिए कृष्णा उसको पीछे 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 घूमते रहते हैं। इसलिए ब्रज में एक भजन है राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे सिंधु बात्सल सिंधु रस सिंधु रस सिंधु लावण्य सिंधु रति सांद्र कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुर तुमि रस केलि सिंधु। एक नाम प्रबोधानंद सरस्वती बोलते जे रकम सप्त समुद्र आछे, लवण समुद्र इखु समुद्र मिश्रित है मधु समुद्र, सब सात समुद्र है, से रकम भावे राधा रानी रे मध्य ये समस्त समुद्र श्री राधा रानी रे मध्य विद्यमान एजने तिनी राधा रानी नान तिनी तिनी की बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात तिनी वाले कृष्ण प्रेम रे तिनी मूर्तिमान स्वरूप वाले श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं और ये जो स्थान है लहुवन है, हम लोग सुने ये लहुवन में एक विशेष लीला हुई है, यहाँ पर नौ का विलास ठाकुर ने किया है, यहीं पर ही ब्रज गोपियां दूध दही लेकर के यहीं पर आया करती थी और कृष्ण टूटे फूटे नाव लेकर के आ जाते थे, बोले गोपियां आ जाओ तुमको हम नाव में बैठा करके हम ये पार कर देंगे, और उनको नाव में बैठा लेते थे और बीच दरिया में लेकर के जमुना में लेकर के बोले भैया मेरे नाव तो एक मणि ढो सकता है, तुम लोग इतने सारे
मोटी मोटी गोपियां दूध दही लेकर बैठ गए हो, हम तुम कैसे पबली भैया तुम पहले क्यों नहीं बताए? पहले बोलते थे हम नहा में बैठते नहीं, तुम बीच में आकर के ये नटखट कर रहे हो, इसलिए तुम पहले क्यों नहीं बोले? बोले क्या करना पड़ेगा, बोले पहले तुम ये मटकी को पहले फेंको, इसमें बड़े दूध दही की बाहर है। बोले उसको बाद में, बोले अभी भी ज्यादा भोजन है। बोले क्या? बोले एक अनेक भोजन आचे। बोले अलकार बोले तारे फैले दे अलकार। बोले फैले दिए से। बोले एक अनेक भोजन आचे। बोले की बोले तुम्हारे कापड़ था ना, तुम्हारे जो कापड़ बढ़िया छो और मत जो सोना चांदी दिए सब अनेक एम्ब्रॉयडर कार्ड ओगलो अनेक भोजन ओगलो फैल दी। बोले कापड़ गुलो फैलता है। बोले हाँ। बोले देखो हमारे जो नौका थी ना एक मणि बोसे पारे। बोले एक मन ललिता बोलते हमें तो तीन मन और ये सखी तो वाला साढ़े चार मन और ये तो वाला आढ़ाई मन तब तुम बोलते एक मन बोई तो बार में इस गोपीरा और चालाक पूरा साधारण है। ये कितने मन? ये कितने मन? इसलिए गोपीरा को चालाक कृष्ण की कथा और बुझे कृष्ण तिनी बोलते देखो यदि एक मन दिए यदि तुम्हारे आमा के डाको ताहले तुम्हारे संसार से बाहर बैठ दो। गोपीराव कृष्ण मन रे कथा बुझे। बोले देखो गोविंद जैसे हमारे देखते अनेक मन हो ना कि तो हमारे जो मन ना एकता ही मन हमारे मन ने केवल तुम ही बसिया छो हमारे मन ने तुमा छा एक ना के हो हमारे मन ने बसे ना वास्तव कृष्ण जब नौका नौका तक हिलाते आरंभ करे तखन राधा रानी तिनी कृष्ण के तिनी आलिंगन किए करे बस इधर यही उद्देश्य हलो कि राधा गोविंद के हमारा की करे जीवन मिलन करावो तखन गोपीरा जय जय राधा कृष्ण जय राधा गोविंदर प्रत्येक वर्ष गायत्री देवी जी और उनका पूरा परिवार सारे साधु संतों को हर साल यहाँ पर बड़ी सुंदर सेवा कराते हैं। ये लोग बड़े चालाक है जानते हो जानते हैं भगवान को तो प्रसन्न रखना बड़ा कठिन है। अगर भक्तों को अगर प्रसन्न कर दो ना भगवान कहाँ बैठे संतों का हृदय ये लोग बड़े चतुर है इसलिए जानते हैं अगर भक्तों को अगर उनकी सेवा कर दो भक्त अगर खुश हो गए तो भगवान खुश हो गए इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे जोरदार जोरदार। ये लोग जैसे हर साल जैसे